आप देख रहे हैं देसी मिर्च इंडिया और मैं आपका दोस्त शफारून आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग हांडी लजीज़ मुर्ग हांडी लजीज बनाने के लिए हमने 800 ग्राम चिकन लिया है 100 ग्राम जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है 100 ग्राम दही लिया है और 20 ग्राम हमने यहाँ पे क्रीम लिया है साठ ग्राम हमने ऑयल लिया है दो पीस टमाटर लिया है और एक बॉल कटा हुआ प्याज लिया है और छः से आठ पीस हमने हरी मिर्च लिया है और हमने यहाँ पर काजू लिया है पचास ग्राम और बादाम आठ पीस और दो चम्मच दो बड़े चम्मच हमने इसमें मगज़ चार मगज़ डाला है ये टोटल क्वांटिटी सेवेंटी फाइव ग्राम्स होंगे आइए हम इसका पहले पेस्ट बना लेंगे और याद रहे काजू का पेस्ट बनाएंगे तो बादाम का छिलका निकाल लें फिर हमने यहाँ पे छोटी इलायची लिया है छः पीस बड़ी इलायची चार पीस चार से छः पीस लौंग दालचीनी चार पीस जावेत्री दो पीस और तेज़पत्ता आइए हमने यहाँ पे फिर हल्दी पाउडर लिया एक बड़े चम्मच एक टेबल स्पून हाफ टेबल स्पून मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर एक हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर हाफ टी स्पून गोल्की पाउडर हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून इलायची पाउडर नमक स्वाद अनुसार सबसे पहले चिकन मैरिनेशन करेंगे हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा नमक थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर अब हम इसमें दही जो सौ ग्राम है हमने इसमें डाला और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देखिए बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो रही है चिकन और फिर इसे अच्छी तरह से मैरिनेशन करके 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे जब तक हम दूसरा काम करते हैं आइए ऑयल हमने डाला फिर प्याज़ कटा हुआ जो रफली था हमने डाला इसमें इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाए ये देखिए ब्राउन हो चुका है अब हम इस पर डालेंगे कटा हुआ टमाटर जो रफली कटा हुआ मेरे पास है वो और डालने के बाद फिर हम इसे भून लेंगे भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे आ, मसाले सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर धनिया पाउडर, जीरा हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर और नमक सिर्फ़ तीन चीज़ डालना है इसमें अब हम जो यहाँ पर इसे भून करके एक बॉल में निकाल लेंगे थोड़ा सा हल्दी और मिर्च पाउडर डालने से इसका कलर बहुत प्यारा आएगा जब पेस्ट कर बनाएंगे इसका अब हम इसका पेस्ट बना लेते हैं और एक बॉल में हमने काजू का पेस्ट बना लिया और दूसरे बॉल में ये अब हम यहाँ पे ऑयल डाला और फिर हम इसमें गरम मसाला पाउडर खड़ा गरम मसाला डालेंगे अब ये थोड़ा सा भून लेंगे हल्का सा अब हम इसमें डालेंगे सेल्ट किया हुआ जो ग्रीन चिल्ली अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसन का पेस्ट अब इसे भी भून लेंगे अच्छी तरह से फिर हम इसमें डालेंगे अब इसका थोड़ा सा स्मेल चले जाए तब तक हम भूनेंगे अब हम इसमें डालेंगे मसाले अब हम मसाले डालेंगे हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर गरम मसाला और गोलकी ज़ीरा धनिया यहाँ पे हम इलायची पाउडर नहीं डालेंगे इलायची पाउडर हम लास्ट में डालेंगे हमने ये डाल दिया अब हम इसमें जो पीसा हुआ हमारे पास प्याज और टमाटर का पेस्ट है वो हम डालेंगे ये देखिए हल्दी मिर्च डालने के बाद इसका कलर बहुत प्यारा आया था अब हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से जब तक इसका तेल नहीं छोड़ दे कढ़ाई में तब तक हम इसे भूनेंगे ये देखिए मैंने इसे भून लिया है पाँच से सात मिनट तक दस मिनट के आठ से दस मिनट तक हमने इसे भुना है और ये देखिए हमारा तेल बिल्कुल छोड़ चुका है अब हम इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट काजू और बादाम का जो हमने पेस्ट बना के रखा है और फिर इसे डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे इसे भी उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल नहीं छोड़ दे ग्रेवी देखिए ग्रेवी जो है ये मसाले जो है इसका ऑयल छोड़ चुका है अब हम इसमें मैरिनेशन किया हुआ चिकन जो है दही के साथ वो हम इसमें डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से भूनेंगे ये देखिए भून रहा है और अच्छी तरह से जो है हमने इसे भून लिया है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है अब इसको जो है अब हम इसमें देखिए भून चुका है ये भुना चिकन तरह हो चुका है अब हम इस थोड़ा सा पानी डालेंगे और भूनेंगे और फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे अब ये देखिए अब जो है चिकन जो है अब हम इसमें थोड़ी सी और पानी डाल करके और इसे दस मिनट के लिए जो है आठ से दस मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से पकने देंगे अब ये आठ से दस मिनट हो चुका है अब जो है हम अब हम इसमें डालेंगे क्रीम जो क्रीम हमने रखा है वो इसमें डालेंगे और इसे फिर मिक्स करेंगे हमने सैफरन घोल के रखा था एक चुटकी सैफरौन और दो टेबल स्पून और दूध के साथ हमने इसे भूल घोल के रखा था क्योंकि मुर्ग हांडी लजीज बन रही है तो थोड़ा सा रीच होना चाहिए तो हमने केसर डाला है इसमें अब इलायची पाउडर जो हमने कहा था बाद में डालेंगे हमने इसमें इलायची पाउडर अभी डाला है हाफ़ टी स्पून हमने डाला है इलायची पाउडर छोटे चम्मच से और देखिए ये कितना प्यारा जो है बनकर तैयार है हमारा हां मुर्ग हांडी लजीज देखिए बहुत ही प्यारा कलर है और और आप जो है अब हम इसे एक बॉल में अच्छी तरह से निकाल लेंगे ये बॉल है और इसमें मुरगा हांडी लजीज निकालेंगे देखिए कितना प्यारा शानदार और बिल्कुल कलर खिल के आया है रोगन भी आ चुका है उसका हल्का हल्का अब हम इसे बॉल में निकालने के बाद इसके ऊपर गार्निश करेंगे क्रीम का और हल्का सा एक धनिया का पत्ता डालेंगे और याद रहे कि हमने नहीं बताया आपको कि धनिया क्योंकि धनिया हमने इसमें नहीं यूज़ किया सिर्फ गार्निश में डालेंगे ये क्रीम डाल दिया और ये अब हमारा मुर्ग हांडी लजीज़ बनकर तैयार है बहुत ज़बरदस्त बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये आप एक बार बनाकर ट्राई करें और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और आइकन को दबा दें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंचेगा। थैंक यू